देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नर्स इंजेक्शन, रीडिंग चेक करो। इनकी वाइटल्स तो बिगड़ती जा रही है। जल्दी ऑक्सीजन मास्क लाओ। तो हैदर अकबर, मुझसे वादा कीजिए कि जब तक आप कम से कम 104 साल के नहीं हो जाते, तब तक आपको सिर्फ मेरे साथ ही रहना होगा। और आने वाले 75 सालों में वो 75 बार ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। सर, पर अगर आपको कुछ हो गया तो तुम जल्दी में मरने वाली हो। नौज़ुबिल्ला हैदर, बोलने से पहले सोचते नहीं है क्या? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। जिसने उम्र भर मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए, उसी को मैंने मौत के दरवाजे पे खड़ा कर दिया। I'm sorry, दुआ। I'm really sorry. मैं एक शौहर बनने का फर्ज अदा नहीं कर पाया। या अल्लाह, तुझे तेरी अजमत का वास्ता, बस मेरी बच्ची दुआ होश में आ जाए। तुझे इस हार में देख के दिल बैठा जा रहा है दुआ। खुदा तेरे सारे दुख मुझे दे दे। मैंने हमेशा तेरे साथ गलत किया, लेकिन तुमने कभी मुझसे अपना दामन नहीं छुड़ाया। तुमने हमेशा मेरे बच्चों का ख्याल रखा। मैंने तुम्हारा ही घर तोड़ दी। हैदर ही नहीं अम्मी, मैं भी दुआ के गुनहगार। मैं दुआ से कैसे नजरें मिला पाऊंगी अम्मी? क्रिकेट भी रंग बदलने से पहले वक्त लेता है। अगर ये गुल्लू बेगम नहीं किस वक्त किस तरफ लुढ़क जाए पता ही नहीं चलता। बस इसकी बेटी नूर इसके जैसी ना हो। नूर सिर्फ तुम्हारा मकसद है, उसे मोहब्बत में पन्ने देना, समझे? वरना अंजाम तुम बहुत अच्छे से जानते हो। ये कैसा अजाब उतर आया है हम पर मेरे मौला। हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दो, मेरे दुआ के सारे दुख दर्द दूर कर दे परवरदिगार। दुआ बहू ही नहीं बेटी से ज्यादा है। काश मैं पहले बोल पाती, आज मेरी दुआ की जिंदगी बर्बाद ना होती। काश खुदा ने मेरी सुबह पहले खोल दी होती तो मेरी दुआ का घर बच जाता, मेरी दुआ की जिंदगी बर्बाद ना होती। इनकेस करो, नर्स इंजेक्शन। मुझे इस बात का फक्र था कि हैदर मेरी तरह नहीं बना। जितना बुरा मैं हूं मैं सोचता था वो उतना ही अच्छा है। और आज इसने मेरा सारा भ्रम तोड़ दिया। हैदर ने जो तेरे साथ किया है उसके लिए मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे। हीना, तुम्हारे बेटे ने दुआ के साथ बहुत गलत किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था।
कभी सोचा नहीं था किसी को ऐसी हालत में देखकर मुझे इतनी खुशी मिलेगी। काश ये गम का पहाड़ बुआ को मौत के बिस्तर से कभी उठने ही ना दे। ये गम का पहाड़ तुम्हें मुबारक हो दुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? इसने मुझे थप्पड़ मारा था, इसकी वजह से रवि ने मुझ पर हाथ उठाया था, मगर ये खुद मौत के बिस्तर तक नहीं पहुंचती ना, तो मैं इसे मौत के बिस्तर तक पहुंचा देता। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब शौहर हूं, और फिर मैं ये सोचता हूँ कि जो बीवी मुझे इतना प्यार करती है, क्या इतना प्यार मैं डिजर्व भी करता हूँ? बस मेरी एक ही दुआ है रब से कि वो आपको हमेशा हर मुसीबत से महफूज रखे। जिसने रब से दुआ की कि मैं हमेशा महफूज रहूं, आज मैंने उसकी ये हालत कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा सर अभी नहीं होना चाहिए था। ये मैंने क्या? टूटे आंसू बहाना बंद करो। जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मेरी दुआ ठीक है? होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि हमारी कोशिश रंग लाती है नहीं। शिप मतलब मैंने आपको पहले ही कहा था कि उन्हें कोई सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। सच कहें तो जज्बाती तौर पे आपकी बीवी टूट चुकी है। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ऐसे में मरीज के पास ताकत ही नहीं होती कि वो मर्ज का सामना कर सके, और ना ही कोई दवा काम करती। क्या मतलब आपका सब? वो ठीक तो हो जाएगा? फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे एक और डर सता रहा है। कैसा डर? उनके दिमाग की ब्लड सप्लाई बहुत ही कम है। ऐसे में हो सकता है कि होश में आने के बाद वो अपना दिमागी संतुलन खो गए। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाईजान, ये क्या बोल रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ऐसा नहीं हो सकता, मेरे अल्लाह ऐसा नहीं कर सकते। इसमें अल्लाह का क्या कसूर अम्मी, मेहरबानी तो इसकी है ना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। दुआ को कोई छोटा मोटा सदमा नहीं लगा है, ये चलता फिरता सदमा घर पे लाकर खड़ा कर दिया। हमारे हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया इसने। पता नहीं हम क्या क्या जवाब देंगे अल्लाह को। कोई ले जाओ इस नामराद को मेरी नजरों के सामने से। चिल्लाइए मत, हॉस्पिटल है, खुद को संभालिए राज साहब। डॉक्टर साहब क्या हम एक बार दुआ से मिल सकते हैं क्या? सॉरी मैडम, फिलहाल उन्हें हम आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। उनकी ऐसी हालत है कि 24/7 उन पे नजर रखनी पड़ेगी। फिलहाल आप लोगों में से कोई उनसे नहीं मिल सकता। हाँ, कोशिश। दुआ पीछे हटिए, पीछे हटिए आप सब, पीछे पीछे हटिए, पीछे। दुआ भैया, दुआ, अरे कोई होगा दुआ को, इसे मैं जाने दो। दादी अभी ये क्या हो गया भाभी को? अरे दुआ से कहोगे इसे कुछ हो गया तो इसकी दादी मर जाएगी। कहाँ जा रहे हो? अपने साए को दुआ से दूर रखो। निकलो यहां से, जाओ। डॉक्टर
ये राहत इतना बकबक कब से करने लग गया? मेरा बस चलता ना तो इसका सर काट के रख देती। राहत को छोड़ो, अपनी सासू माँ को देखो। खुदा जाने क्या सोच रही है, जब से हैदर की दुल्हन बन के आई हूँ उत की तरह खड़ी है, ना ही मुझे कबूल कर रही है और ना ही मेरे खिलाफ कुछ बोल रही है। तुम्हारे खिलाफ ही बोलेगी। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि इसने सौतन होने का दर्द झेला है, हैदर के खिलाफ ही बोलेगी। हिना तुम्हारी बहुत बड़ी ताकत थी, अब ये तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी तो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी तुम्हारे लिए। तुम सही बोल रहे हो, मगर मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मैं आती हूं। अम्मी, आपने भी अपने बेटे से मुंह मोड़ लिया। अम्मी देखिए ना, हैदर ने अपना क्या हाल बना लिया है। अम्मी चाहे तो आप मेरा सर कलम कर देना, मगर अपने बेटे का साथ मत छोड़िए। आप दोनों के बीच जो माँ बेटे का अटूट रिश्ता है उसे मत तोड़िए अम्मी। आप हैदर का साथ मत छोड़िए अम्मी। हैदर ने जो कुछ भी किया उसके लिए उन्हें माफ कर। कर दिया, माँ के गुनाहों की कीमत अदा करने के लिए ही तो हैदर ने मुझसे निकाह किया है। इसने हैदर का दिल बदल दिया तो हैदर मुझे छोड़ देगा। ऐसा हुआ तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं बर्बाद हो गया। मैं मैंने आपकी दुआ की जान खतरे में डाल दी। बहुत बुरा किया उसके साथ, जो अबू ने आपके साथ किया वही सुलूम मैंने दुआ के साथ कर दिया। देखिए ना, सब मेरे खिलाफ हो गए। आप भी मुझसे नाराज है ना? इसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, बहुत बड़ा गुनाह। तुमसे कोई गुनाह नहीं हुआ है हैदर, क्या? हाँ हैदू, गजल से निकाह करके तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, बल्कि ये तो नेकी का काम है। मैं जानती हूं दूसरे निकाह को लोग बुरा समझते हैं, लेकिन वो लोग उसके पीछे की वजह नहीं जानते, न जानने की कोशिश करते हैं। जिस शख्स की बीवी दुआ जैसी हो वो दूसरा निकाह नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्या बोल रहे हैं आप? अपने सच दुआ जैसी बेगैरत लड़की तुम्हारे लायक ही नहीं है। उसने एक मां को अपने बेटे की नजरों में गिराया है, मुझे जलील किया है तुम्हारी नजरों में, तो मोहब्बत करने वालों को एक ना होने दिया। गजल और रुहान हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। जो खुद बेवफा है, ऐसे इंसान से वफा करके क्या फायदा?
कितनी बार समझाया दुआ को, अगर वो अपनी हरकतों से बाज आती तो तुम्हें सुकून ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता है। हकीकत तो ये है कि गजल से निकाह करके तुमने एक यतीम, मजलूम, मासूम, बेसहारा लड़की को सहारा दिया है। गजल से मोहब्बत करके तुमने इंसानियत का तकाजा पूरा किया है। गजल से निकाह करके तुमने नरम दिली दिखाई है बेटा। और तुम अफसोस मत करना, क्योंकि तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ है, हमेशा रहेगी। काश मैंने रहमानी साहब की अर्जी को सालों पहले कबूल कर लिया होता और सालों पहले तुम्हारा गजल से निकाह करा दिया होता तो दुआ जैसी तमाशेबाज लड़की तुम्हारी जिंदगी में शरीक ही ना होती। बस कीजिए। और तुम्हें ये जिल्लत ना सहनी पड़ती मेरे बच्चे। बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए। क्या हो गया है आपको? नहीं नहीं, दुआ किस हालत में है, थोड़ा तो रहम आना चाहिए आपको। सब लोग उसके साथ है, उसके लिए दुआ फरमा रहे हैं और आप अपनी नफरत की आड़ में उसे बुरा भला बोल रही हैं। आप दिल पत्थर का हो गया आपका कि आप अपनी इंसानियत भूल रही हैं। शायद आप ये भी भूल गई हैं कि अपने शौहर को दूसरी औरत के साथ बांटने का दर्द क्या होता है। आप उसे बेटी कहती थी तो मां होने का लिहाज कैसे भूल गई आप? आपको तो मुझे सजा देनी चाहिए, खींच के लाफा लगाना चाहिए, मारना चाहिए, पीटना चाहिए, घर से बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन आप अपनी बेटी की तरह से सुलूक कर रहे हैं। नहीं, ना दुआ मेरी बहू है ना मेरी बेटी है। मेरी नजरों से गिर चुकी है वो, मेरे दिल से मैंने उसे निकाल फेंका है। बेहतर होगा तुम सब लोग उसे अपने दिल से निकाल फेंको। यही उसकी हैसियत है। आप मेरी अम्मी नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं कर सकती। आप कोई और है। हैदर, नफरत एक तरफ, लेकिन इंसान को अपनी इंसानियत से कभी दूर नहीं भागना चाहिए, अपनी इंसानियत को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये आपने सिखाया था मुझे, अफसोस इस पे आप ही अमल नहीं कर पा रही हैं। तो आप मेरी अम्मी कैसे हुई? आप मेरी अम्मी नहीं है। आप कोई और है। आप मेरी अम्मी नहीं हो सकती। खुद को संभालिए अम्मी, आपने अपना क्या हाल बना लिया है। अम्मी, दुआ ने क्या कर दिया अम्मी? जिस रिश्ते की मिसाल पूरा जमाना देता था, आज दुआ की वजह से हैदर ने आपसे ये कह दिया कि आप उसकी अम्मी नहीं है। अम्मी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। दुआ ने जो किया सो किया, शायद वो इसके लिए बनी है। अम्मी, मैं आप दोनों के बीच में दरार नहीं आने दूंगी। अम्मी, मैं मर जाऊंगी अम्मी, लेकिन आप और हैदर को दूर नहीं होने दूंगी। हैदर मुझसे दूर जा चुका है गजल। आपने मेरी बात सुनी ना, मैं आपको और हैदर को दूर नहीं होने दूंगी। दुआ ने एक माँ का दिल बेइंतहा दुखाया है।
वो कहीं की नहीं रहेगी, दर दर भटकेगी। बेमौत मरेगी। बहुत खूब मेरी सासू माँ, यही तो मेरा मकसद है। तुम दुआ से उतनी ही नफरत करो जितनी मैं तुमसे करती हूँ। दुआ को बर्बाद करने में तुम्हारी ही जरूरत पड़ेगी मुझे।